नमस्कार दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में भी कही गई हैं और इन्हीं को यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये भी कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन अर्थात मनुष्य के लिए ये कहा गया है कि उसमें विद्या तप ज्ञान दान शील गुण धर्म इनकी कही न कहीं ना कहीं आवश्यकता रहती है और यदि इनमें से किसी एक गुण की भी किसी व्यक्ति में यदि उपस्थिति दिखती है तो लगता है कि वो व्यक्ति ठीक है लेकिन यदि किसी व्यक्ति में लगता है कि ऐसे अनेक गुण हैं तो वो व्यक्ति सामान्य मानव से महामानव कहलाता है जी हाँ आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही व्यक्तित्व की जिन्हें चित्रकार कहा जा सकता है जिन्हें कवि कहा जा सकता है जिन्हें उच्च कोटि का लेखक कहा जा सकता है और साथ ही साथ जो निश्चित रूप से देशभक्त भी रहे और इस देश का नाम पूरे विश्व में जिन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का प्रेरणादायक जीवन इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी शर्मा मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा शिक्षाविद हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मूल्य आधारित शिक्षा इस विषय पर आपने शोध भी किया है सबसे पहले मीनाक्षी जी आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जब बात हम करते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की तो सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि किस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी रही किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति उनके परिवार की थी जी रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है जी। विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है गुरुदेव, ने, गुरुदेव का जो परिवार था, वो एक बंगाली बंगाली, बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था जी। ये बहुत ही आ, इनके पिताजी का नाम देवेंद्र जी था और माता का नाम शारदा देवी था इनके दादाजी जिनका नाम श्री द्वारका नाथ जी था ये बहुत बड़े जमींदार थे बहुत रिच लोग थे बहुत अमीर घराने से थे और इनकी जो पत्नी का नाम था वो मृणालिनी गुरुदेव जन्मजात एक कवि हुए एक लेखक हुए इन्होंने जो है इनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही वो एक जमीदार परिवार से रहा और इन्होंने जो है इनके तेरा भाई बहनों में सबसे छोटे भाई थे ये तेरहवीं सबसे अंतिम संतान थे और इनके भाई जो थे इनके भाई भी जो थे वो भी उपन्यासकार कथाकार थे और बहुत सम्मानजनक स्थिति में थे तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं एक संपन्न परिवार था और साथ ही इनके जो भाई थे वे भी लेखक थे कवि थे और परिवार में जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति थी उनका प्रभाव गुरुदेव के रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर भी पड़ा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कहते हैं पूत के पैर पालने में दिखाई देने लगते हैं ठीक उसी प्रकार बहुत ही छोटी आयु में उन्होंने लेखन प्रारंभ कर दिया था मीनाक्षी जी चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पारिवारिक पृष्ठभूमि की हमने चर्चा की बहुत अच्छी स्थितियां उस समय इनको मिली बचपन में कि शिक्षा दीक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे देखिए ये जब आठ साल के थे तब इन्होंने लेखन प्रारंभ कर दिया था और जहाँ तक है ये 16 साल की उम्र में इन्होंने छद्म नाम भानु से नाम से अपनी एक कविता का लेखन किया था इनके ऊपर अपनी भाभी जो थी वो भी एक लेखिका थी कादम्बनी नाम से कादम्बनी नाम था उनका और उनका भी इन पे बहुत अच्छा प्रभाव था इनकी शिक्षा जो हुई प्रारंभिक शिक्षा जिसको हम कहें वो इनके घर पर हुई थी इन्होंने ये स्कूली शिक्षा से बहुत दूर रहते थे लेकिन जब प्रारंभिक शिक्षा की बात आई क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो इनको बैरिस्टर बनाना चाहते थे तो प्रारंभिक शिक्षा जब हुई तो वो सेंट जेवियर विद्यालय में इनका दाखिला हुआ वहां से फिर ये बैरिस्टर बनने के लिए इनके पिताजी ने इनको लंदन विश्वविद्यालय में भेज दिया लेकिन ये प्रकृति प्रेमी थे इनको प्रकृति की गोद में अपना अध्ययन करना था तो इन्होंने वहां से अपनी डिग्री लिए बिना ही ये वापस लंदन से वापस आ गए और इन्होंने भारत भर में यात्राएं की इन्होंने प्रकृति की गोद में रह करके इनको इनके घर पे इनको शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी थी एक बात मैं बताना चाहूंगी कि ये जब 11 साल के थे तो अपने पिताजी के साथ पिताजी इनके समाज सुधारक थे पिताजी के साथ इन्होंने पूरे की की यात्रा और भारत के विभिन्न राज्यों में इन्होंने अपना भ्रमण किया और वहां की संस्कृति को सभ्यता को जाना परिवार इनका चूंकि कला प्रेमी था और कला प्रेमी मैं तो यू कहूं उत्साही कला प्रेमी था देखिए पूरे भारतवर्ष में बंगाल की सभ्यता और संस्कृति का जो प्रभाव है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के लेखन से हमको देखने को मिलता है इसी यात्रा के दौरान ये अमृतसर गए थे अमृतसर गए तो वहां पर इन्होंने सिख धर्म को जाना और समझा और देखिए उसी भ्रमण के दौरान उनका जो अनुभव हुआ उसके बाद उसके काफी समय बाद उन्होंने छह कविताएं सिख धर्म पर लिखी तो बात यह कि शिक्षा दीक्षा जो है ना ये प्रकृति की गोद में रहकर करना चाहते थे लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई करी लेकिन फिर वापस भारत आए इनको बैरिस्टर बनना ही नहीं था क्योंकि इनको ये प्रकृतिवादी प्रकृति प्रेमी थे तो इनको वहीं रहकर के और अपनी शिक्षा दीक्षा करनी थी जी तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा हुई जो एक ढर्रे पर चलने वाली जो शिक्षा थी उसके बजाय पर्यावरण के निकट प्रकृति के निकट रहकर शिक्षा प्राप्त करना उनको कहीं अधिक प्रिय था और लीक से हटकर कुछ काम करना उनको पसंद था और कहा भी जाता है कि महापुरुष अक्सर जो काम करते हैं उन कामों का तरीका थोड़ा अलग होता है और वही तरीका रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा में भी देखने को मिला है मीनाक्षी जी जब रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं स्वाभाविक रूप से एक ध्यान में आता है कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा नक्षत्र जिसकी आभा से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हुआ है ये जानना चाहेंगे कि हालांकि बहुत बड़ा विषय हो सकता है लेकिन फिर भी साहित्य के क्षेत्र में आप किस दृष्टि से देखते हैं उनके योगदान को देखिए गुरुदेव विलक्षण प्रतिभा के धरी तो थे थे हैं और रहेंगे आ, इन्होंने जो साहित्य लिखा है वो आज मैं तो जो कहूँ कवि के रूप में एक कथाकार के रूप में एक उपन्यासकार के रूप में एक साहित्यकार के रूप में इन्होंने अपना जो योगदान दिया है इस विश्व की लाइब्रेरी को फलीभूत करने के लिए जो अपना योगदान दिया है वो अमिट रहेगा आने वाले मतलब समय में कभी इसको भुलाया नहीं जा सकता इन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे देखिए इनकी एक गीतांजलि नाम से एक कविता है जी, जी काव्य संकलन है जी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला जी ये पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई जी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था ये वो व्यक्ति थे जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी जी ये मानवतावादी व्यक्ति थे लेकिन इन्होंने उस नाइटहुड की उपाधि को ठुकरा दिया था क्योंकि ये जलियावाला बाग बाघ हत्याकांड से इतने आहत हो गए थे और उन्होंने ये कहा कि मतलब हमारे अंग्रेज जो लोग हैं वो मनुष्य हमारे भारतीयों को मनुष्य मानना भी उनको स्वीकार नहीं है, नहीं है तो इस बात से इतना आहत हुए कि उन्होंने उस उपाधि को स्वीकार नहीं करके उनको वापस उसको लौटा दिया था इन्होंने कथाएं ऐसी लिखी आप देखिए काबुली वाला मतलब एक छोटा सा बच्चा जो सिक्स क्लास का बच्चा है जब वो काबुली वाला स्टोरी पढ़ता तो ऐसे लगता है विचार हो रहा है मेरे बारे में ही बात हो रही है और मतलब आत्मसात करते हैं मतलब उनकी जो भाषा थी बड़ी सरल थी हाँ। बहुत उत्कृष्ट साहित्य रहा लेकिन सरल भाषा में रहा एक सामान्य व्यक्ति की आवाज बन करके इन्होंने उसको लिखा जी तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति की जो भाषा है जो जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में इन्होंने साहित्य सृजन किया और एक अद्भुत बात ये भी कही जा सकती है कि लगभग 2230 गीत इन्होंने लिखे अपने जीवन काल में इतने गीत लिखने वाले बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो विधाएँ होती हैं उन विधाओं में इन्होंने लेखन किया निबंध हों लघु कथाएँ हों गीत हो यात्रा वृतांत नाटक कोई शायद ही कोई ऐसी विधा रही होगी जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने सृजन नहीं किया हो जिसमें उन्होंने लेखन नहीं किया हो एक बहुआयामी व्यक्तित्व और उसमें भी कहें कि यदि लेखन और साहित्य का जो क्षेत्र है उसमें भी लगभग सभी विधाओं में इनका लेखन रहा और नोबल पुरस्कार की जो बात होती है गीतांजलि जो इनकी कृति है उसको नोबल मिलता है और पूरे देश का नाम आगे बढ़ता है पहले एशियाई व्यक्ति रहे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला आ, उस दौर की जब बात करते हैं मीनाक्षी जी तो ध्यान में आता है देश पराधीन था जी देश पराधीन था और उस समय आज़ादी का संघर्ष चल रहा था और उस आज़ादी के संघर्ष का जो को, जो वो काल था उस समय अधिकांश लोग देश को आज़ाद कराने के लिए लगे हुए थे चाहे कोई व्यक्ति अपने लेखन से काम करे चाहे कोई अपनी वाणी से करे या अपने विचार से करे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में उनकी योगदान की बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे देखिए स्वतंत्रता संग्राम में इनका जो योगदान रहा उसके बारे में विरोधाभास हो सकता है लेकिन इन्होंने अपनी लेखनी से वो स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो अभूतपूर्व योगदान दिया उसको कहीं भुलाया नहीं जा सकता ये मानवतावादी व्यक्ति थे राष्ट्रवाद से ज्यादा इनके लिए मानवता बहुत इंपॉर्टेंट थी इन्होंने ये कहा कि अंग्रेज जो है अंग्रेजी जो हमारी ये सरकार है ये भारतीयों के लिए एक सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक बुराई का एक लक्षण निकल करके आ रहा है इन्होंने इन्होंने इस बात पे बहुत दिया कि हम अपने विचारों से स्वतंत्र हो। लेकिन एक व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता उसके लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है जब हम बात करें देखिए इन्होंने स्वतंत्रता उसमें योगदान दिया संविधान सभा ने जब देखा कि एक राष्ट्रगान जो पूरे भारत वर्ष को, को समाहित किए हुए वो हमारा जनगण मन एक तीन साल का बच्चा भी जो है उसका भी आत्म साक्षात्कार हो जाता है गुरुदेव से जनगण मन में उन्होंने हिंदुस्तान को समाहित किया उन्होंने उन्होंने बांग्लादेश का जो आमार सुनार बांग्ला राष्ट्रगान है वो भी उन्होंने दिया एक जानकारी और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो भी गुरुदेव की एक कविता का ही ट्रांसलेशन होकर वहाँ का राष्ट्रगान जो है वो बनाया गया है जी। तो स्वतंत्रता संग्राम में उनका उनका जो जो लेखनी के माध्यम से जो उनका योगदान रहा वो अभूतपूर्व रहा जी तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता संग्राम में भी अभूतपूर्व योगदान रहा और निश्चित रूप से ये भी देखा जा सकता है कि जिस समय जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ उसके विरोध में इन्होंने जो इनको उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजी सरकार की तरफ से नाइटहुड की उपाधि वो जलियावाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर उसके विरोध में इन्होंने वो उपाधि लौटाई स्पष्ट संदेश दिया अंग्रेजी हुकूमत को कि आप जब हमारे देश के लोगों को मानव नहीं समझते जब आप यहाँ पर अत्याचार करेंगे तो हमें आपसे किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं चाहिए किसी प्रकार का कोई अभिनंदन नहीं चाहिए और शायद विश्व के इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है भारत का और बांग्लादेश का और साथ ही तथ्य यह भी आते हैं कि श्रीलंका है है। मीनाक्षी हम चर्चा करते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तो निश्चित रूप से शांति निकेतन की भी चर्चा होती है एक बड़ा नाम एक बड़ा प्रयास और लीक से अलग हटकर कुछ अच्छा करने का एक प्रयास क्या कहना चाहेंगे शांति निकेतन की स्थापना पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शांति निकेतन की स्थापना कैसे हुई इनके पिताजी ने एक बहुत बड़ी भूमि का हिस्सा उन्होंने खरीदा था जमींदार थे तो किसी तरह की कोई कमी नहीं थी तो उन्होंने भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदा अब गुरुदेव की ये इच्छा थी कि मैं एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना वहां पर करूं तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में वहां पर की वहां पर एक आश्रम भी इन्होंने बनाया उस आश्रम का जो फर्श था वो संगमरमर का बना हुआ था और उस आश्रम को इन्होंने इन्होंने के नाम से उ, 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 उसको उपाधि दी और वहां पर इनका ये मानना था कि प्रकृति की गोद में बैठ के और वहां पर बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए और उ, उस उसके उसके लिए बहुत काम किया और बाद में यही शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में आगे अः फलीभूत हुआ जी तो इस प्रकार से जो एक नींव इन्होंने रखी थी शिक्षा के मंदिर की एक अलग प्रकार से शिक्षा दी जाए और व्यावहारिक शिक्षा पर जिस पर खासतौर पर जोर रहा और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भी विदेशों से आकर विद्यार्थी यहाँ पढ़ने लगे विदेशों से आकर शिक्षक यहाँ पढ़ा सकें इस प्रकार का एक केंद्र इन्होंने स्थापित किया वैसे भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा है और नालंदा और तक्षशिला की जो परंपरा थी जो विरासत थी उसको कहीं ना कहीं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के माध्यम से विश्व भारती विश्वविद्यालय के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया जब बात करते हैं हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम की स्वतंत्रता संग्राम की तो निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है महात्मा गांधी को लेकर महात्मा गांधी का जो विचार था वो भी एक तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए पूरे देश को साथ लेकर चल रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर अपने तरीके से ये काम कर रहे थे और चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर की यदि एक पहचान हम देखते हैं तो साहित्यकार के रूप में एक बड़ी पहचान होती है एक दार्शनिक के रूप में एक बड़ी पहचान होती है किस प्रकार से समन्वय बना गांधी जी के विचारों के बीच में और रविन्द्रनाथ टैगोर के मध्य देखिए दोनों ही आज देखा जाए तो हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जी इन दोनों के बीच में आत्मीय व्यक्तिगत संबंध थे जब तथ्यों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा सुनने में में आता है कि इनके बीच वैचारिक भिन्नता थी लेकिन उस वैचारिक भिन्नता के बावजूद भी जो आत्मीय व्यक्तिगत संबंध थे उनको इन्होंने कभी भी नजरअंदाज नहीं किया एक बार ऐसा सुनने में आता है कि शांति निकेतन में दस मार्च को गांधी दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एंड्रयूज़ को भेज करके जब दक्षिण अफ्रीका में अपना आंदोलन सफल आंदोलन चला रहे थे हुँ. तो इन्होंने टैगोर साहब ने उनको भेज करके गांधी जी को भारत बुलवाया था हुँ. और भारत इसलिए बुलवाया था कि भाई यहां पर स्वतंत्रता संग्राम भी अपने चरम पे था हुँ. गांधी जी जब उनके आश्रम पे पधारे तो ऐसा हुआ कि गांधी जी स्वावलंबी थे और उन्होंने वहां पर अपना सारा काम खुद करते थे तो वहां के बच्चों को देखकर ये लगा कि इतना बड़ा आदमी होकर के अपने काम स्वयं कर रहा है तो उन बच्चों ने भी एक एक व्यवस्था ऐसी शुरू करी कि हर काम जो है स्वावलंबी होकर अपन अपने, अपने स्तर पे करेंगे और धीरे धीरे लेकिन ये काम तो ऐसा है कि जो निरंतर चलने वाला है तो वो निरंतर चल नहीं पाया तो 10 मार्च को उन्होंने डिसाइड किया जब गांधी जी आए थे उसी दिन को उन्होंने डिसाइड किया कि गांधी दिवस के रूप में मनाएंगे और उसी दिन सारे नौकरों की छुट्टी करके और एक स्वावलंबी बनने का एक संदेश देंगे गांधी जी जो थे वो आ, मतलब इनमें राजनीतिक और वैचारिक भिन्नता जो थी वो ये थी कि टेगोर गुरुदेव का ये कहना था कि सब ऐसे योग आंदोलन भी एक हिंसा है ऐसे योग करना भी एक तरह की हिंसा है <laughs> गांधी जी का ये कहना था कि जब किसान अपनी बुआई करता है तो वो खुरपी तो साथ लेकर चलता ही है क्योंकि कई तरह की चीजें आ जाती है जिनको हमको हटाना पड़ता है और प्रतिकार करने की क्षमता होनी चाहिए नहीं करने की क्षमता होनी चाहिए और कही न कहीं ना कहीं टैगोर साहब उनके साथ समन्वय बिठा करके और इस बात को आगे कंटिन्यू भी किया उन्होंने तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दोनों बड़े महापुरुष दोनों बड़े व्यक्तित्व लेकिन कुछ वैचारिक असहमतियाँ भी हो सकती हैं और यदि उन असहमतियों का स्तर हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि राष्ट्रीयता और मानवता ये दो विषय ऐसे रहे जिनमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ अलग मत रखते थे और महात्मा गांधी अलग मत रखते थे राष्ट्रीयता और मानवता ये दो विषय रहे लेकिन इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का सम्मान कितना करते थे जब शांति निकेतन पर गंभीर आर्थिक संकट आया और रविंद्रनाथ टैगोर जब बड़ी आयु में देश के अलग अलग कोनों में जाकर कुछ नाटक करने लगे जिससे अर्थ आ, प्राप्त करके और शांति निकेतन का सुचारू संचालन किया जा सके और ये बात जब महात्मा गांधी तक पहुंचती है तो महात्मा गांधी अपने कुछ मित्रों से कहकर उस दौर में आप याद कीजिए आजादी से पहले का समय था उस दौर में साठ हजार रुपए का चेक एक अनुदान के रूप में ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि पूरा देश आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है आप इतना प्रवास मत कीजिए आप इतनी मेहनत मत कीजिए यह शांति निकेतन चलाना केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये पूरे देश जिम्मेदारी है इस तरीके से महात्मा गांधी आगे आते हैं और रविंद्रनाथ है मीनाक्षी तो जी चर्चा आपसे यह करना चाहेंगे कि गुरुदेव का जीवन एक प्रकार से साहित्य को समर्पित रहा लेखन को समर्पित रहा शिक्षा को समर्पित रहा और उस शिक्षा को लेकर जिस तरीके से शांति निकेतन को लेकर काम हुआ शिक्षा को लेकर उनके विचारों की यदि बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसा मैंने कहा गुरुदेव जो है प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे और इन्होंने कहा कि आप शिक्षा दीजिए बच्चे को लेकिन शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए कि उसके किसी एक पक्ष पे जैसे शारीरिक हुआ सिर्फ मानसिक हुआ सिर्फ काव्यात्मक हुआ ऐसा नहीं उसका पूरा सर्वांगीण विकास उस बालक का होना चाहिए दूसरी बात शिक्षा के बारे में उन्होंने कही कि शिक्षा बच्चे को अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए आप ये नहीं कि आप कहीं बाहर की भाषा लाकर उस पर थोप दे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए सरकार भी यही काम कर रही है नई शिक्षा नीति में जो है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात देने कर की रही यही बात गुरुदेव भी कहते आज के समय में देख लीजिए प्रासंगिकता उनके विचारों की देख लीजिए और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हर बच्चे को हर बच्चे की जो काव्य को लेकर लेखन को लेकर ये सारी प्रतिभाएं उसके निकल करके आनी चाहिए तभी एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि अंग्रेजी भाषा को थोपा जाए थोपना उनके लिए कहीं भी वो सही नहीं था दूसरा वो ये कहते थे जो जो उनका बेसिक आधारभूत बात थी थी वो ये थी कि बालक को प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति की गोद में शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वो आनंद का अनुभव कर सके और एकदम कंफर्टेबल होकर के वो शिक्षा ग्रहण कर सके तो ये शिक्षा के बारे में उनके विचार थे तो शिक्षा के संदर्भ में निश्चित रूप से जो विचार उनके थे उसी विचार को प्रकट करते हुए उन्होंने अपना जीवन भी जिया और उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी किसी भी प्रकार के बोझ के जैसे नहीं लगनी चाहिए विद्यार्थी को जिस शिक्षा को ग्रहण करते हुए आनंद आए उसके आसपास का वातावरण ऐसा बना दीजिए ऐसा सुंदर सुरम्य वातावरण प्रकृति की गोद में शिक्षा हो और आज के जो शिक्षाविद कहते हैं आज के जो इस विषय विशे के विशेषज्ञ विशे कहते हैं वही बात ने लंबे समय पहले गुरुदेव कह कर गए कि आपकी जो मातृभाषा है उसमें आपकी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए कुछ लोग इसे अलग प्रकार से कहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा उसी भाषा में होनी चाहिए जिस भाषा में आप सपने देखते हैं और स्वाभाविक रूप से सपने आप अपनी मातृभाषा में देखते हैं उससे विद्यार्थी की कल्पनाशीलता बढ़ती है मीनाक्षी जी कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौर में लंबा कालखंड बीत गया गुरुदेव का जन्म भी पराधीन भारत में हुआ और उनकी मृत्यु के लगभग छह वर्ष बाद देश आजाद हुआ लेकिन आज़ादी का जब अमृतकाल चल रहा है अमृत महोत्सव चल रहा है इस दौर में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता को किस प्रकार से आप देखते हैं देखिए उनके विचारों की प्रासंगिकता तो यही है कि शिक्षा के लिए उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने साहित्य के लिए जो कुछ किया उन्होंने साहित्य को जिस तरह से उन्होंने फला तो उनके विचारों की प्रासंगिकता ये कि एक जो प्रकृति की गोद में बैठकर के व्यक्ति जिस तरह के अनुभव कर सकता है उसको उसी तरह आनंदित होकर के उसको सीखने देना चाहिए जी।, जी, तो जिस प्रकार से बच्चा आनंदित रहता है विद्यार्थी आनंदित रहता है जिस प्रकार के परिवेश में उसी परिवेश में उसे शिक्षा देनी चाहिए और इस प्रकार के विचार रहे और विचार उनकी रचनाओं के माध्यम से भी परिलक्षित हुए उनके यात्रा वृतांत आप देख लीजिए उनकी कविताएं जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के विचार आपको देखने को मिलते हैं कार्यक्रम अंतिम चरण में है क्या संदेश देना चाहेंगे मीनाक्षी जी हमारे दर्शकों को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के संदर्भ में जैसे गुरुदेव कहा करते थे कि मानवता जो है ना वो व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है और उसको कभी नहीं भूलना चाहिए मानवता के लिए आप हमेशा सतत अपना प्रयास करते रहे कर्म करते रहे मानवता जो है वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में तो व्यक्ति के जीवन में मानवता हमेशा जीवित रहनी चाहिए और इसी प्रकार का विचार उनका रहा जो हम चर्चा कर रहे थे गांधी जी के साथ में उनके विचारों को लेके कहीं ना कहीं भाव राष्ट्रीयता और मानवता का जो भाव था वही उसी में कहीं ना कहीं कश्मकश थी कि ऊपर किस विचार को रखना चाहिए मानवता को या राष्ट्रीयता को और ये विचार उनके लेखन से भी स्पष्ट होता है मीनाक्षी जी आप हमारे स्टूडियो में आए आपने तमाम सवालों का बहुत सहजता से सरलता से आपका आपने जो है वो जवाब दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जीवन रहा वो जीवन इस प्रकार का रहा कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे साहित्य का क्षेत्र हो चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात की हो हर एक मोर्चे पर जीवन के विविध प्रसंगों पर विविध आयामों पर विविध मोर्चों पर उन्होंने अपनी प्रतिभा से इस देश का नाम रोशन किया उनके जब लेखन की हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि उनके लेखन में इतिहास रहा भाषा विज्ञान रहा और आध्यात्मिकता रही और उनके हम जब गुरुदेव का जब चित्र देखते हैं बढ़े हुए केश बढ़ी हुई दाढ़ी उनकी इस प्रकार से जब देखते हैं तो उसमें भी ध्यान में आता है कि किस प्रकार का अद्भुत लेखन उनका रहा होगा मीनाक्षी जी जो उनका परिवेश दिखता है गुरुदेव का जिस प्रकार का चित्र दिखता है बड़े हुए, हुए केश एक लगता है एक बड़े से कोई सन्यासी जैसे रहे होंगे क्या कहना चाहेंगे जी वो बिल्कुल सन्यासी के रूप में ही उन्होंने जीवन जिया देखिए आज भी कई बार ऐसा होता था कि कई बच्चे जो वास्तव में कवि हैं जो साहित्यकार हैं वो अपनी धुन में मस्त रहने वाले लोग हैं उनको सांसारिकता से कोई मतलब नहीं रहता और उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल एक संत के रूप में ही जो है वो देखा जा सकता तो है। उनका संत के रूप में जो है वो स्वरूप हमारे को देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं ये भाव जो है वो भी एक विरासत के रूप में आता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे ब्रह्म समाजी थे और वो जो विचार पिता के माध्यम से जो पुत्र में आता है आचार व्यवहार में आता है दोनों पिता पुत्र लंबी यात्राओं पर भी जाते थे चर्चा भी होती थी और जब चर्चा होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में तो जो विचारों का प्रवाह आगे बढ़ता है वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में भी झलकता है और वही व्यक्तित्व में झलक हम लोगों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में देखी उनके लेखन में देखी उनकी जो रचनाओं की हम बात करते हैं चोखेर बाली गीतांजलि कणिका पूर्वी प्रवाहिन ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनमें भी जब आप पढ़ेंगे तो इनका अनुवाद भी विश्व की अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है और उसके माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि मानवता का जो गुण है जो मूलभूत तथ्य है मानव जीवन के वे कूट कूट कर भरे हुए थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर में हम ये ही शुभकामना करते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ के टैगोर के विचारों से ये पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व सदैव के लिए आलोकित रहता रहे सदैव उनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त करके ये विश्व एक शांति के रास्ते पर आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार